हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। दोस्तों, मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पूरी सीरीज चला रही थी, जिसमें से कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। तो मैं कोशिका, हड्डियों एंड ऊतक, इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। इन सब के बारे में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए। दोस्तों, मसल्स के बारे में, मसल्स क्या है, मसल्स कितने प्रकार का होता है, मसल्स को आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, मसल्स कंट्रक्शन क्या है, इस सब के बारे में मैं बता चुकी हूँ। दोस्तों, मैं जो भी बता रही हूँ आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी के वीएस एनवीएस को ध्यान में रखकर एकदम वही पॉइंट बता रही हूँ जो फैक्ट है। तो चलिए, आज का टॉपिक है मस्कुलर फंक्शन, यानी मांसपेशियां कैसे कार्य करती हैं। तो दोस्तों, मांसपेशियां जो है, किसी भी हमारे शरीर में जो भी गति होता है, तो गति या गामक कौशल यानी मोटर स्किल को करने के लिए मांसपेशीय बल की आवश्यकता पड़ती है। तो गति करने के दौरान मांसपेशी जो है दोहरा बल अदा करती है। ठीक है, जो भी हम गति करते हैं वो किसके कारण करते हैं, मांसपेशी बल के कारण, उसके कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन के कारण, यानी मांसपेशी संकुचन और प्रसारण के कारण। ठीक है, और मांसपेशी दोहरा गति गति के दौरान अदा करती है, जैसे कि डबल्स अभ्यास से में बाइसेप्स जो है मुख्य भूमिका अदा करती है एंड ब्रांचियोलिस जो है सहायक के रूप में कार्य करती है। चलिए आगे इन सब के बारे में समझते हैं। इन कार्यों को मांसपेशीय तंतु, जोड़ के प्रकार, मांसपेशी के हड्डी से जुड़े होने की प्रकृति आदि पर प्रभाव डालती है कि हमारे जो मांसपेशियां हैं, जो मांसपेशी के तंतु हैं, हमारे जोड़ों पर और हड्डियों से किस तरह से जुड़े हैं, और उस जोड़ने की प्रकृति के प्रभाव के आधार पर ही हमारे जो मांसपेशियां हैं, जो में गति होता है अंगों में, वो कार्य करता है। तो उसके आधार पर मांसपेशी क्रिया निम्न प्रकार से होती है, सात प्रकार से होती है, जैसे कि पहला है मूवर आर एगोनिस्ट यानी प्राइम मूवर्स एंड असिस्टेंस मूवर्स के रूप में कार्य करता है, दूसरा है एगोनिस्ट यानी प्रतिस्पर्धी, तीसरा है स्थाई स्टेबलाइजिंग फंक्शन एंड चौथा है फिक्सेसर स्थिति कारक, पांचवा है सपोर्टिंग, छठवां है न्यूट्रलाइजिंग यानी, सातवां है योगवाही यानी सिनर्जिस्टिक फंक्शन, मस्कुलर फंक्शन। तो इन सातों के बारे में फुल डिटेल में एकदम फैक्ट पॉइंट बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में फुल डिटेल में। तो पहला है मूवर्स और एगोनिस्ट अर्थात प्राइम मूवर्स एंड असिस्टेंस मूवर्स, ये जो है गति करने के लिए मुख्य भूमिका अदा करता है, और कई प्रकार की गतियों में एक से अधिक मूवर्स कार्य करते हैं, जैसे कि ये दोहरा गति करता है, जैसे कि प्राइम मूवर्स यानी जो मुख्य मांसपेशी जो गति करने में मुख्य भूमिका अदा करती है उसे प्राइम मूवर्स यानी मुख्य मांसपेशी बोलते हैं, और जो सहायता करती है उस मुख्य मांसपेशी के सहायक के रूप में कार्य करती है उसको असिस्टेंस मूवर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जांपल थ्रू इसको समझा जा सकता है कि एल्बो फ्लेक्शन यानी जब हम कोहनी हाथ की कोहनी को मोड़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी मांसपेशी कार्य करती है, तो एल्बो फ्लेक्शन यानी कोहनी को मोड़ना, जिसे हम कंसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं, यानी इसमें मांसपेशियों की लंबाई घटती है। कंसेंट्रिक कंट्रक्शन के बारे में मैं मसल्स कंट्रक्शन के पार्ट में अच्छे से बताई हूँ, तो उसको प्लेलिस्ट में चैनल पे जाते आप देख लीजिए। तो हम चलिए समझते हैं कि प्राइम मूवर्स असिस्टेंस मूवर्स कैसे कैसे कार्य करता है ये मूवर्स मांसपेशी। तो एल्बो फ्लेक्शन के समय जब हम कोहनी को मोड़ते हैं तो कौन कौन सी मांसपेशी कार्य करती है, हमारी बाइसेप्स मांसपेशी जो होती है कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स मांसपेशी मुख्य भूमिका अदा करती है, और ब्रांचियोलिस जो है सहायक की भूमिका है। ब्रांचियोलिस कहाँ पे होता है, बाइसेप्स के नीचे। ठीक है, ब्रांचियोलिस कहाँ होती है, हमारे
हाथ में जो बाइसेप्स मसल्स होती है उसके नीचे ब्रांचियोलिस होती है। तो बाइसेप्स हाथ को मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा करती है और ब्रांचियोलिस सहायक भूमिका अदा करती है, यानी मांसपेशी को मोड़ने में मुख्य भूमिका बाइसेप्स करती है और उसकी सहायता करता है ब्रांचियोलिस, तो वो सहायक भूमिका। तो यहाँ पे मुख्य पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि मूवर्स आर एगोनिस्ट, यानी मुख्य भूमिका अदा करने वाले को मूवर्स या एगोनिस्ट बोलते हैं और सहायक भूमिका अदा करने वाले को असिस्टेंस मूवर्स बोलते हैं। तो इसमें फ्लेक्शन के समय बाइसेप्स जो है मुख्य भूमिका अदा कर रहा है, ब्रांचियोलिस सहायक भूमिका अदा कर रहा है, उसमें बाइसेप्स मसल्स को एगोनिस्ट बोलते हैं, एगोनिस्ट का कार्य कर रहा है यानी मुख्य भूमिका अदा कर रहा है, और ट्राइसेप्स पेशी एंटागोनिस्ट का कार्य कर रहा है। तो इसको ध्यान से समझिए, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमारे शरीर के अंगों की गति करने में जिस मांसपेशी की मुख्य भूमिका होती है उसे मूवर्स तथा या एगोनिस्ट कहते हैं, जो हम और जो उसकी विपरीत क्रिया करती है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो जैसे हम अपनी कोहनी को मोड़िए, ठीक है, उसमें जो बाइसेप्स है वो मुख्य भूमिका, कोहनी के मोड़ने में एल्बो फ्लेक्शन में जो है बाइसेप्स मुख्य भूमिका अदा कर रही है। तो जो मुख्य भूमिका अदा करती है शरीर के अंगों को गति करने में या मांसपेशियों को गति करने में, जो मांसपेशी मुख्य भूमिका अदा करती है उसको मूवर्स या एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, या प्राइम मूवर्स बोलते हैं। एंड जो विपरीत गति करती है उसको, यानी मुख्य भूमिका अदा करने वाली पेशी के विपरीत वाले पेशी को एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो एल्बो फ्लेक्शन में हमारा बाइसेप्स एगोनिस्ट का कार्य कर रहा है, यानी जो मुख्य भूमिका अदा कर रहा है गति में उसको एगोनिस्ट बोलेंगे, और जो उसके प्रतिकूल है उसको हम एंटागोनिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि उस मांसपेशी क्रिया को क्या कहते हैं जिसमें गति करने में जो मांसपेशी हमारी मुख्य भूमिका अदा करती है उसको क्या कहते हैं, मूवर्स या एगोनिस्ट या प्राइम मूवर्स, ठीक है, और जो सहायक भूमिका अदा करती है वो असिस्टेंस मूवर्स होती है, ठीक। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट यानी प्रतिस्पर्धी, यानी एगोनिस्ट के विपरीत जो गति करती है, गति करने में सहायक होती है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। किसी भी गति में, किसी भी अंग गति में यदि मुख्य भूमिका जो अदा कर रहा है गति करने में उसको एगोनिस्ट बोलेंगे, और जो उसके विपरीत, एगोनिस्ट के विपरीत होगा उसको एंटागोनिस्ट कहेंगे। तो ये मूवर्स यानी एगोनिस्ट के विपरीत गति करता है, जैसे एल्बो एक्सटेंशन के दौरान जब हम अपने कोहनी को प्रसारण कर रहे हैं यानी एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो उस दौरान जो है हमारी ये ध्यान रखना है कि हम प्रसारण कर रहे हैं तो उसमें मुख्य भूमिका कौन अदा कर रहा है, जो मुख्य भूमिका अदा करेगा उस मांसपेशी को एगोनिस्ट या मूवर्स बोलेंगे, ठीक है, और जो उसकी विपरीत गति कार्य करता हो उसको एंटागोनिस्ट कहेंगे। तो हम जब एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हैं, जब हम कोहनी का प्रसारण कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य भूमिका कौन कर रहा है, प्रसारण में कौन करता है मुख्य भूमिका, ट्राइसेप्स करता है, जबकि फ्लेक्शन यानी मोड़ने में मुख्य भूमिका कौन अदा करता है, बाइसेप्स करता है। तो यहाँ प्रसारण हो रहा है यानी एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसमें मुख्य भूमिका ट्राइसेप्स कर रहा है पेशी की गति में, तो मुख्य भूमिका जो अदा करता है उसको एगोनिस्ट बोलते हैं, और उस एगोनिस्ट यानी मूवर्स की विपरीत जो गति करता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें विपरीत कौन गति करता है, ट्राइसेप्स के विपरीत कौन है, बाइसेप्स, तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट का कार्य कौन कर रहा है, बाइसेप्स। तो एल्बो एक्सटेंशन के दौरान मुख्य भूमिका अदा कर रहा है ट्राइसेप्स, तो एंटागोनिस्ट का कार्य कर रहा है ट्राइसेप्स पेशी। एंड विपरीत कौन गति कर रहा है एंटागोनिस्ट के, तो बाइसेप्स यानी बाइसेप्स मांसपेशी इसमें क्या कार्य कर रहा है एक्सटेंशन के दौरान, एल्बो एक्सटेंशन के दौरान एंटागोनिस्ट का कार्य कर रहा है। तो इसमें एंटागोनिस्ट और
और एगोनिस्ट में सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी मांसपेशी गति के दौरान मुख्य भूमिका अदा करता है उसको मूवर्स या एगोनिस्ट बोलते हैं, और जो उसकी विपरीत गति करता है एगोनिस्ट के या मूवर्स के उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है तीसरा है स्थाई या स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग यानी कि चिपके रहना, यानी पेशियों के सिरे यह दो सिरों पर इस क्रिया में चिपकी रहती हैं, यानी यह पेशियों के ऐसे कार्य से इसका संबंध है जिसमें पेशी जो है दोनों सिरों पर, सिरों यानी दोनों छोरों पर हड्डी से चिपकी हुई होती है। ठीक है, कितने सिर पर, आपको बस इतना ध्यान रखना है कितने सिर पर। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कोई भी चीज स्टेबल कब रहेगा, जब दोनों तरफ से उसको सपोर्टिंग मिलेगा। तो स्टेबलाइजिंग मतलब उसको चिपके रहना, कैसे चिपके रहेगा, जब दोनों सिरों से वो जुड़ा रहेगा तभी ना। तो पेशी, वह पेशी की क्रिया जिसमें पेशी की दोनों सिरे हड्डी से चिपकी रहती है या जुड़ी रहती है उसको स्टेबलाइजिंग बोलती है, और यह जो पेशी को बल लगाने में सहायता करता है स्टेबलाइजिंग क्रिया। और क्या होता है कि संकुचन के दौरान पेशी के मध्य क्षेत्र पर बल लगता है। ठीक है, जब दोनों तरफ से पेशियां जुड़ी रहती हैं तो संकुचन जो टेंडन से जुड़ी रहती हैं, ठीक है, मांसपेशियां हड्डियों से कैसे जुड़ी रहती हैं, टेंडन से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, आपको टेंडन और लिगामेंट दोनों के बारे में बता चुकी हूँ पहले कि मांसपेशियां हड्डियों से टेंडन से जुड़ी रहती हैं और हड्डियां हड्डियों से जोड़ों पर लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। तो ये मांसपेशियां दोनों सिरों पर टेंडन द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती हैं और ये स्टेबल रहती है, चिपकी रहती है। तो क्या होता है कि जब हम संकुचन करते हैं, मांसपेशियों का संकुचन होता है, उस दौरान मध्य क्षेत्र पर बल लगता है। जब दोनों तरफ से वो जुड़ा हुआ है हड्डियों से, तो जब हम उस पर संकुचित करते हैं तो उस पर मध्य क्षेत्र पर बल लगता है, जिसके कारण दोनों सिरों से बराबर बल के साथ मध्य की तरफ, यानी जो बीच वाला हिस्सा होता है मध्य वाला, वो एक मध्य की तरफ वो खींचने लगता है, जिसे पेशी के दोनों सिरों के हड्डी से जो होता है मध्य क्षेत्र जो होता है वो फूल जाता है, यानी थोड़ा सा उठ जाता है। ठीक है, तो बीच में मोटा हो जाता है, छोरों पर पतला हो जाता है। तो दोनों सिरों के हड्डी से चिपके होने के कारण ही यह क्या कहते हैं, स्थायी व प्रभावी गति करती है। ठीक है, तो आप स्टेबलाइजिंग के बारे में समझ गए होंगे, दो सिरों से हड्डियों से चिपका रहता है, बस यही आप ख्याल रखना है। ठीक है, और इस तरह से भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सी मांसपेशी क्रिया है जिसमें पेशी के दोनों सिरे हड्डियों से चिपके रहते हैं, तो कौन सी है, स्टेबलाइजिंग। और इस तरह से भी पूछ सकता है कि संकुचन के दौरान पेशी के मध्य क्षेत्र पर बल लगता है और दोनों सिरों से बराबर बल के साथ मध्य की तरफ खींचती हैं, तो इस यह कौन सी मांसपेशी क्रिया है, तो स्टेबलाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा है फिक्सेशन यानी स्थिति कारक मांसपेशी क्रिया। तो फिक्सेशन में क्या होता है, ध्यान से शाब्दिक अर्थ पर आप जोर देंगे तो उसका अर्थ अपने आप निकल के आ जाता है। कोई चीज फिक्स कैसे रहता है, जब कोई चीज एक अंग से जुड़ा होता है या एक स्थान पर होता है उसे एकदम फिक्स होता है। तो जब हम इसके पहले स्टेबलाइजर में क्या बताया कि शरीर पेशी का दो सिरा किसी अंग से जुड़ा होता है, जबकि फिक्सेशन में क्या होता है, पेशी का एक सिरा ओनली एक सिरा शरीर के किसी अंग या हड्डी से जुड़ा या स्टेबलाइज होता है। ठीक है, और क्या होता है, बस इसे यही ध्यान रखना है कि फिक्सेशन में एक सिरा जुड़ा रहता है पेशी का किसी अंग से, और जबकि स्टेबलाइजर में दो सिरा जुड़ा रहता है। और जो फिक्सेशन है यह गति उसी पेशी के, जो पेशी एक सिरा से जुड़ा हुआ है उसी पेशी के माध्यम से किसी दूसरे अंग की भी गति हो रही होती है। जैसे कि हम एक जगह से पेशी हमारी फिक्स है, तो उस पेशी की यदि गति हो रही है तो उस पेशी से जो अन्य पेशियां जुड़ी हुई हैं उन अंगों की भी गति होगी। ठीक है, उन पेशियों की भी गति होगी, तो एक पेशी के माध्यम से किसी दूसरे अंग की भी गति हो रही होती है इस प्रकार के फंक्शन में। ठीक है, और फिक्सेशन पेशी जो है सबसे सामान्य क्रिया है मांसपेशी क्रिया की, ज़्यादातर होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पेशी की वह क्रिया जिसमें शरीर के किसी एक अंग से जुड़ी रहती है
मांसपेशी, तो वो कौन सी मांसपेशी क्रिया है? तो फिक्सेशन है, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि पेशी एक वह क्रिया जिसमें मांसपेशी दो सिरे से जुड़ी रहती है, तो क्या हो जाएगा? स्टेबलाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा है सपोर्टिंग, यानी मांसपेशी गति जो है एक सपोर्टिंग की गति क्रिया भी करती है। जैसे कि गति के दौरान शरीर का संतुलन बनाने में पेशी जो है बल के विपरीत कार्य में सहायक होता है। कैसे? जैसे कि यदि हम जमीन पर कोई चीज वस्तु रखी हुई है, उससे हम झुक कर कमर से झुक कर ही तो उठाएंगे, तो यदि हमें जमीन से कोई चीज उड़ी होती है तो कौन पेशी कार्य करेगी उस समय? कमर की पेशी कार्य करेगी, ठीक है। तो हमारे बल के विपरीत कार्य करेगी हमारी कौन सी पेशी? कमर की मांसपेशी। तो कमर की मांसपेशी वस्तु को उठाने में जो कमर की मांसपेशी है इरेक्टर स्पाइने, ठीक है। कमर की मांसपेशी क्या कहते हैं? इरेक्टर स्पाइने मसल्स जो है हमको झुक कर वस्तु को उठाने में वो पेशी बल के विपरीत कार्य कर रही है, ठीक है। जिसके कारण हम हमारा संतुलन बना हुआ है और हम वस्तु को उठाते समय गिरते नहीं हैं, संतुलित रहते हैं, ठीक है। तो कमर की कौन सी मांसपेशी वस्तु को उठाने में सहायक होती है और विपरीत कार्य करती है, संतुलन बनाए रखती है? इरेक्टर स्पाइने, जिसे लॉन्गिनियस एंड इलियोकोस्टेरिस भी कहते हैं, जो नीचे गिरने से हमको बचाती है और संतुलन को बनाए रखती है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि यदि हम जमीन से कोई वस्तु उठा रहे हैं तो हमारी कौन सी मांसपेशी विपरीत क्रिया का कार्य कर रही है पेशी बल के? तो कमर की मांसपेशी इरेक्टर स्पाइने, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजर्स, यानी जो हमारी मांसपेशियां हैं वो गति के दौरान कोई गलत गति नहीं करती हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग में क्या होता है? न्यूट्रलाइजिंग का मतलब होता है कोई भी गलत गति न करना, ठीक है, उदासीन होना। यानी गति के दौरान पेशी जो है अन्य कोई गलत गति नहीं करती हैं। जैसे कि जब हम एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं, कोहनियों को जब मोड़ रहे हैं, तो उस दौरान सुप्रीनेशन क्रिया नहीं होता है। सुप्रीनेशन क्रिया गति के प्रकार में ये सब आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। सुप्रीनेशन, प्रोनेशन, एबडक्शन, एडक्शन, इनवर्सन, इवर्सन, इन सब के बारे में। तो सुप्रीनेशन जो होता है उसमें जो हमारी हथेलियाँ होती हैं आसमान की तरफ, यानी सुपाइन पोजीशन, सुपाइनेशन होता है। जैसे हम चित्त लेट जाते हैं आसमान की तरफ, आँखें आसमान की तरफ हमारी हथेलियाँ होती हैं, खुली हुई हथेलियाँ रहती हैं, उसको सुपाइनेशन कहते हैं। तो जब हम एल्बो को फ्लेक्शन करते हैं, जब मोड़ते हैं, तो अपने सोचिए करके देखिए अपने आप, अपने गुड क्या कहते हैं हाथों की एल्बो को मोड़िए। अब देखिए क्या आपके हाथ में सुपाइनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि मांसपेशी जो है गति के दौरान कोई भी गलत क्रिया नहीं करती है, ठीक है, एक निश्चित रूल से कार्य करती है, ठीक है। तो वह कौन सी क्रिया है जिसमें पेशी कोई गलत गति नहीं करती है? तो न्यूट्रलाइजिंग, ठीक है। और क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि एल्बो फ्लेक्शन की तरह समय सुपिनेशन क्रिया होगी, सही या गलत, तो क्या होगा? आपको पता हो गया कि सुपिनेशन क्रिया नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के कर सकता है। नेक्स्ट है यानी सातवां है योगवाही या सिनर्जिस्टिक मांसपेशी क्रिया। तो योगवाही सिनर्जिस्टिक में क्या होता है कि यह एक पेशी अकेले कार्य करने में असमर्थ हो, यानी कि एक पेशी अकेले कार्य करने में या गति करने में समर्थ न हो, तो वहां पर दो या दो से अधिक मांसपेशियां मिलकर कार्य करती हैं, तो इसे योगवाही या सिनर्जिस्टिक फंक्शन बोलते हैं, मांसल्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि जब मांसपेशी अकेले कार्य करने में असमर्थ हो, यानी अकेले कार्य न कर सके, तो दो या दो से अधिक मांसपेशियां मिलकर कार्य करती हैं, तो यहाँ योगवाही या सिनर्जिस्टिक होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि जहाँ पर दो या दो से अधिक मांसपेशियां मिलकर कार्य करती हैं, कौन सी मांसपेशी फंक्शन है? योगवाही या सिनर्जिस्टिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये था मसल्स फंक्शंस के बारे में, ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही मैं जितनी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी किनेसियोलॉजी यानी कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है उस सब के बारे में डिटेल में वीडियो बनाती रहूँगी, जो आपके KBS NBS TGT PGT जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।